रक्षाबंधन है तो आप सबों को भी हैप्पी रक्षाबंधन। देखिए अभी ज्वेता आ रही है हम लोग को राखी बांधने के लिए। दीदी नहीं आई तो रो रही है, राखी नहीं मिला ना। जो है कोई राखी नहीं बांधा इसलिए जो है रो रहा है। ये देखिए गाइस यहाँ पे एकदम भयानक पानी भरा हुआ है। ये खेत में ना पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा पानी भरा हुआ रहता था। दोस्तों देखिए कितना मस्त पानी ऊपर से गिर रहा है। सो हेलो गाइस, नमस्कार जोहार। तो दोस्तों कैसे हैं? आशा करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे। और मैं भी दोस्तों ठीक ठाक तो नहीं बोल सकता हूं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा सर्दी है मेरे को। और ये देखिए बारिश इतना ज़्यादा आ रहा है। और ये देखिए हम लोग के गांव घुसने रोड के सामने ही इतना बड़ा पेड़ गिर गया। अब इधर से दूसरे के खेत से जाना पड़ रहा है, रोड से जाने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है दोस्तों। और इसको पूरा कटिंग करेगा तभी जाने के लिए मिलेगा। अभी बड़ा गाड़ी भी दूसरे का खेत से होकर जा रही है हम लोग के गांव। अगर बड़ा गाड़ी आ रही है जा रहे हैं कोलेबीरा, खिड़की भी लेके आना है। और बहुत टाइम लगा दिया दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। कम से कम 1.5 महीना तो हो गया लगता है। और बहुत ज़्यादा सर्दी पकड़ा मेरे को, पता नहीं है क्लाइमेट चेंज हो रहा है या क्या हो रहा है, इसके लिए ऐसा हो रहा है क्या नहीं। तो अभी फिलहाल चलते हैं, बहुत ज़्यादा नाक से चू रहा है। और वाइफ तो देखिए आगे आगे जा रही है। अभी फिलहाल चलते हैं दोस्तों, पैदल पैदल ही जा रहे हैं। तो गाइस अभी फिलहाल पुत्री टोली पहुँच चुके हैं। और ये देखिए टेम्पो भी मिल गए हैं यहाँ पे। और उधर से एक टेम्पो में आए लेकिन वो चली गई शायद कोनबीर तरफ। तो इसी टेम्पो में अभी चलने वाले हैं हम लोग। चलो पानी ले गए हम लोग, कोलेबीरा पहुंच चुके हैं। और ये देखिए वाइफ यहाँ पे और मैं भी पहुंच चुका हूँ पानी। हाँ तो गाइस अभी कोलेबीरा पहुंच चुके हैं। तो अभी 5G का नेटवर्क मिल रहा है लेकिन वीडियो एडिटिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, आधा अधूरा काम एडिटिंग किए हैं। तो अभी घर जाके एडिटिंग करेंगे। रात में काफ़ी ज़्यादा सिर दर्द कर रहा था ना, इसके लिए मैं वीडियो एडिटिंग नहीं किया। तो इसके बाद चलते हैं जो क्या क्या सब लाने के लिए बोली है इसकी भाभी को। तो गाइस अभी वाइफ के जा रहे हैं अंदर में पंजाब नेशनल बैंक ना। हाँ तो ये देखिए बैंक में चलते हैं दोस्तों। आहा देखो गाइस यहाँ पे वाइफ पंजाब नेशनल बैंक खाता में मोबाइल नंबर ज्वाइंट कर रही है। तो देखते हैं कितना टाइम में हो जाएगा, बहुत लेट लेट से वैसे काम होता है यहाँ पे। और ये देखिए पूरा लाइन लगा हुआ है दोस्तों। चलिए गाइस हम लोग का बैंक अकाउंट तो हो गया है। और अभी चलते हैं दोस्तों दवा वगैरह ले लेते हैं। इसका भी दांत दर्द कर रहे हैं ना तुम्हारा, दांत दर्द के चक्कर में इसका गाल खुल गया है। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे राखी का एकदम भरमार लगा हुआ है। और जीता लाने के लिए बोली है वाइफ को राखी। तो इसके लिए ये देखिए यहाँ पे छांट भी है। सो फाइन दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे। और ये देखिए सारा सामान इधर ही पड़ा हुआ है, और जो भी साफ किए थे वो सामान सब इधर ही पड़ा हुआ है। और ये देखिए वाइफ इधर एकदम गर्मा गर्मी होके आ गई। तो गाइस सभी हम लोग खिड़की ले जाए। सो ये खिड़की काफी ज्यादा भारी था तो पकड़ते पकड़ते बाद में ब्लॉग ने शूट किया मैं। ये देखिए इसको ही लेके आए हम लोग। ये देखिए और ये भी लाया हुआ है, काफी डिजाइनिंग। ये पलाई का है बट काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग मार रहा है ये, मतलब शीशा का है ये ऐसा लगा है, कोई देखेगा तो शीशा का ही है ऐसा बोले। कितना अच्छा दिख रहा है दोस्त। और ये तो अभी कब फिट होगा लोगों को पता नहीं, वो मिस्त्री को बुलाए हैं। थोड़ा सा बड़ा हो गया, जितना नाप दिया था उससे थोड़ा सा बड़ा दे दिया है, इतना सा कट करना पड़ेगा शायद। और ये खिड़की भी लेके आए हैं, इसको भी ये तो बराबर है, ये बराबर फिट होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा इसको भी मारना पड़ेगा। इसको तो नहीं मार सकते, पत्थर को ही मार रहा है। बढ़िया यहाँ पे एक और खिड़की है तो इसके लिए और ऊपर के लिए छज्जा। और ये दरवाजा को भी पेंट करना है लेकिन पेंट भी नहीं कर पाए हैं, खेती बाड़ी का काम करते करते। तो ऐसा आज रक्षाबंधन है तो आप सबों को भी हैप्पी रक्षाबंधन। मैं भूल गया था आप लोग विश करने के लिए। और ये देखिए अभी ज्वेता आ रही है हम लोग को राखी बांधने के लिए। और ये देखिए हम लोग इधर बैठे हुए हैं और मेरा भाई लोग, तो चलिए राखी बंधवाते हैं। Thank you.
जॉय को भी लड्डू मिल गया लेकिन रो रहा है इसको। श्रेया दीदी नहीं आई तो रो रहा है जॉय। राखी नहीं मिला ना एक्चुअली जॉय का सिस्टर नहीं आई ना तो इसीलिए जॉय का कोई राखी नहीं बांधा इसलिए जॉय रो रहा है ना जो तो चलिए गाइस राखी उखी तो बांधा लिए हैं। ये देखिए बहन राखी बांधी है। अभी ड्रेस वगैरह चेंज कर लिए हैं और अभी चलना पड़ेगा धान रोपने के क्योंकि धान भी बहुत ज्यादा रोपना है ना हम लोग का। अभी पूरा अगस्त ही लग जाएगा लगता है हम लोग का धान रोपते रहो। तो अभी फिलहाल चलते हैं खाना वाना खाते हैं और निकलते हैं रोपा खेत में। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं जॉय के साथ में। देखिए पीछे पीछे जॉय है और जा रहे हैं। अभी वाइफ लोग तो चली गई धान रोपने के लिए और मैं भी जा रहा हूँ धान रोपने के लिए। नहीं तो बाद में फिर जैसे जैसे शाम होगा वैसे वैसे मेरा सर्दी स्टार्ट हो जाए ना जॉय। सामने देख सकते हैं दोस्तों इधर है तालाब। तो ये तालाब जब फर्स्ट में ये इसको तालाब खोदे थे ना उस टाइम पे हम लोग जॉय से थोड़ा सा बड़ा हम लोग 5 क्लास लगभग। तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पानी भरा रहता था ना यहाँ तो बहुत ज़्यादा छलांग मारते थे हम लोग जॉय। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहाते थे जॉय हम लोग। ये देखिए यहाँ पे तालाब है ये बड़ा पापलो का तालाब है। और ये देखिए यहाँ पे दादी रोप रही है और वाइफ रोप रही है पापा लोग है मम्मी लोग। ये देखिए एक साइड ही है तो फटाफट से रोपते हैं। और ये देखिए यहाँ पे एक खजूर का पेड़ है दोस्तों छोटा सा खजूर का पेड़ है। भी जाएगा रोपा रोपने के लिए ना जो तुम भी जाएगा जो हाँ। तो चलिए गैस चलते हैं धान रोपने के लिए रोप के खत्म करते हैं उसके बाद में ही आपसे मिलते हैं। सो गैस ये देखिए हम लोग रोप के इतना सा खत्म हो गया और थोड़ा सा बीड़ा नहीं हुआ। तो अभी काफी ज्यादा बारिश आ रही है दोस्तों उधर से बहुत ज्यादा काला किया है। तो अभी चलते हैं चलो जो जो चलो तुम लोग का इसको लेके आना ना। हाँ चलो चलो दौड़ो 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 भागो भागो जो भागो चल 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 चल। गाइस ये देखिए बारिश तो एकदम गद्दा वाला आ रही है दोस्तों। ये देखिए बाहर में इतना भयानक बारिश आ रही है अरे बाप रे। अभी हम लोग भीग भी जाता दोस्तों तो अभी अच्छा हुआ हम लोग आ गए घर पे। और ये देखिए जॉय लड्डू चोरी करके खा रहा है। गाइस अभी जोरदार बारिश आने के बाद में अभी हम लोग फिर से जा रहे हैं बीड़ा उखाड़ने के लिए। तो ये देखिए आगे आगे मम्मी जा रही है और पीछे पीछे वाइफ और सबसे पीछे मैं। और ये देखिए बादल बादल पूरा बादल छाया हुआ है आकाश में लेकिन तो फिर भी हम लोग जा रहे हैं दोस्तों। और अभी थोड़ा तो अभी 4 बजा है तो 1-2 घंटा में थोड़ा उखाड़ देंगे 1-2 भारी ऐसा तो अच्छा रहेगा। आज कल जल्दी रोपने स्टार्ट कर देंगे ना इसीलिए हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे। 1-2 हर का खत्म किया अभी दूसरा 2 हर में एंट्री करने वाले हैं हम लोग। ये देखिए गाइस यहाँ पे इतना भयानक पानी भरा हुआ है और फिर से बाहर होना पड़ रहा है। तो ये देखिए गैस इस रास्ते में हम लोग स्कूल आना जाना करते थे और यहाँ पे उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पानी भरा रहता था दोस्तों। फिर भी हम लोग जैसे तैसे स्कूल तो जाना है ना बोल के पार होके जाते थे पैदल पैदल ही उस टाइम पे काफ़ी आना जाना करते थे ये रोड। ये खेत में ना पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा पानी भरा हुआ रहता था दोस्तों काफ़ी ज़्यादा। अभी तो वैसा पानी ही नहीं आया है इतना दिन में दोस्तों। देखिए कितना मस्त पानी ऊपर से गिर रहा है इंसान। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पे हम लोग बीड़ा किए थे वहां पे। और ये देखिए बीड़ा एक एक बीता है और ज्यादा बड़ा बड़ा तो नहीं एक एक बीता है ये बीड़ा। और ये देखिए मैं तो बांधने भी जानूंगा कि नहीं जानूंगा किधर से उखाड़ेंगे। ये देखिए ये लेकिन रोपने में अच्छा लगता है छोटा बीड़ा को ही रोपने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन उसमें पानी नहीं रहना चाहिए नहीं तो जामा एक उठो नहीं दिखेगा। ये देखिए गैस यहाँ चूना अटकाटा बहुत ज़्यादा कपड़ा सबको पकड़ा तो हुआ। तो चलिए गए सुखाड़ते हैं फटाफट अभी काफ़ी ज़्यादा बादल छाया हुआ है। तो गए अभी हम लोग जा रहे हैं बीड़ा उखाड़ने के बाद में। ये देखिए ये इतना बड़ा चट्टान है हम लोग की इधर ना बहुत बड़ा ऐसा चट्टान गोवा में देखने के लिए नहीं मिलता है। उधर का चट्टान अलग ही है ना ऐसा वाइड वाला पत्थर मिलता नहीं उधर।